संदीप महेश्वरी जी अपने कॉलेज के दिनों में बस से घर जा रहे थे। बस में इनके सीट के पास एक लड़की खड़ी थी। फिर इन्होंने जो बस में शरारत किया जिसके चलते इनकी जो पिटाई हुई आप भी सुन लीजिए। आप में से कितने लोग बस में ट्रैवल करते हैं, भरी हुई बस में, जिन्होंने अच्छे से ट्रैवल किया है या पहले कभी किया है? ऑलमोस्ट सब ने। तो आप लोग बड़े आराम से रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं कॉलेज से अपने घर आ रहा था एक बस के अंदर, और वो बस पूरी खचाखच भरी हुई थी। और बस में ट्रैवल करने की मेरे को सबसे ख़राब चीज़ ये लगती है कि उसमें जब बस पूरी तरह से भरी होती है तो सबके हाथ ऐसे होते हैं, और ज़्यादातर लोगों ने डिओड्रेंट नहीं लगाया होता। आप लोगों ने शायद ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। तो हुआ क्या कि मैं ऐसी बस में ट्रैवल कर रहा, बस पूरी भरी हुई, और मुझे एक बड़ी अच्छी खुशबू आई, मतलब कमाल के एक परफ्यूम की खुशबू। और मैंने कहा यार ये क्या है, जहन्नुम में जन्नत दिख रही है, ये क्या है ये? मैं मतलब उसमें खो गया उस खुशबू में। और मैंने अपने दोनों तरफ देखा, मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है? तो मैंने पहले इधर देखा, इधर से नहीं थी, उधर देखा तो मेरे पीछे लेफ्ट साइड में एक लड़की खड़ी हुई थी और उसने परफ्यूम लगाया। ये लड़की के नाम पे वो करने वाली बात। और जैसे मेरी नज़र पड़ी कि ये इस लड़की में से ये परफ्यूम की खुशबू आ रही है तो मेरे फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। और ये स्माइल उस लड़की को देख करके नहीं आई थी, क्योंकि आप लोगों को बैकग्राउंड पता है, उसको नहीं पता था। ये स्माइल आई थी उसके परफ्यूम की वजह से। तो मैंने देखा और मैंने कहा कितना अच्छा परफ्यूम है, तो हल्की सी स्माइल आई। लेकिन उस लड़की को ये डाउट हो गया कि मैं उसको छेड़ रहा हूँ, मैं उसमें लाइन मार रहा हूँ। और वो बिल्कुल गुस्से से मेरे को घूरने लग गई, मतलब उसने गुस्से वाली मेरे को लुक दी। और मैंने फटाफट से अपना मुँह नीचे कर लिया। मैंने कहा भाई पिटना नहीं है तो मुँह नीचे कर लो, भीड़ यहाँ पर बहुत है, बहुत मारेंगे सब मिल करके। तो मैं अपना आराम से ऐसे ही खड़ा हुआ। उसके 10-15 मिनट बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मियों का टाइम था, और मेरे फेस पे पसीना आया। तो मैंने क्या किया, अपनी जेब में हाथ डाला रुमाल निकालने के लिए। अब ध्यान से देखो मेरा हाथ कैसा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी उंगली मुड़ती नहीं है। तो मैं गया, मैंने जा करके अपनी जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, और जब रुमाल निकाल रहा था तो वो उंगली जा करके उस लड़की के पैर पर टच हो गई। उसके पैर पर टच हो गई। आपने वो कहावत सुनी होगी, कंगाली में आटा गीला। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मेरे साथ में हुआ कि पहले ही मेरी पिटने वाली हालत थी और ऊपर से वो उंगली जा करके उसके पैर पे टच हो गई। मैं रुमाल लेकर के चुपचाप अपने फेस पे आया और मेरी हालत ख़राब। मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा भाई अब क्या करूं? 2 ऑप्शंस है मेरे पास में। एक तो ये है कि पलट करके इसको फटाफट से सॉरी बोल दूँ, लेकिन उसमें एक रिस्क है कि क्या हो अगर उसको पता ही नहीं है कि उंगली मेरी थी इतनी भीड़ में। और मैंने बोला तो ज़बरदस्ती पिटने वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। तो कही अच्छा मेरे को उंगली मारी तूने मारी? तो मैंने कहा भाई, तो मैं दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये था कि मैं चुप रहूँ, आराम से देखता रहूँ, मुंह नीचे करके ऐसे रिएक्ट करूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं सोच ही रहा था इन दोनों ऑप्शंस में से मैं कौन सा चूज़ करूँ। इतनी देर में मेरे यहाँ पर राइट साइड में पीछे से किसी का हाथ आया, मतलब तगड़ा जैसे सनी देओल का हाथ है ना, 2.5 किलो का हाथ, वो आया यहाँ पे थड़ 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 ऐसे करके। ओए, पीछे से आवाज़ आई, ओए। मैंने पीछे पलट करके देखा और उस लड़की के साथ में एक लड़का खड़ा हुआ था, बॉडी बिल्डर टाइप का। अभी मुझे याद है उसने ब्लड रेड कलर की टाइट फिट टी-शर्ट पहनी हुई थी, और उसके ये जो डोले थे, मतलब कि उसकी बाइसेप्स, वो ऑलमोस्ट उस टी-शर्ट को फाड़ने वाली थी। इतना तगड़ा बंदा वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ था। उसकी हाइट होगी करीबन 6-6.25 फीट। तो मैंने उसको पलट करके देखा, और पलटते ही अब मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ। अब बहुत देर हो चुकी थी, सॉरी बोलने वाली स्टेज जा चुकी थी। मैंने कहा हाँ जी। बस मेरा ये बोलने की देर थी, लड़की का गुस्सा और बढ़ गया। कहती हाँ जी, मैं तुझे बताऊँ हाँ जी। एक तो मुझे पहले देख करके हंसता है, उसके बाद में टच करता है, और फिर पलट करके कहता है हाँ जी। तो उल्टा पड़ गया मेरे ऊपर, मतलब जैसे ही मैंने उसको बोला। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा जी आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, आप देखो ये जो मेरी 2 उंगलियां हैं, आप देखो इन दोनों की शेप्स में आपको साफ फर्क पता लग जाएगा। मेरी जो उंगली है ये मुड़ती नहीं है, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, गलती से हो गया है। तो उसके बाद में उस लड़के ने बड़ा कमाल का डायलॉग बोला, जो उसके साथ में था, मुझे नहीं पता वो उसका क्या था, बट उसने बड़ा सही डायलॉग बोला। कहता ओ हीरो, मैं कहा हाँ जी। और क्या बोलूँ, कहा हाँ जी। कहता है मेरा हाथ दिख रहा है, ये भी अगर एक बार पढ़ना शुरू हो जाए ना तो रुकता नहीं है, जैसे तेरी उंगली मुड़ती नहीं है। तो मैंने कहा भाई आज तो तू गया, आज तो पिटाई होनी पक्की है। फिर उसके बाद में मैंने जितनी मैं कोशिश करता चला जा रहा था उतनी ही गड़बड़ होती चली आ रही थी। और ऐसे में गड़बड़ क्या होती है कि यहाँ तक तो ठीक था, मतलब ये जो लड़का था और ये लड़की थी, इसको तो मैं फिर भी किसी तरह से हैंडल कर लेता। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जितनी भी भीड़ होती है वो सब लड़की की तरफ हो जाती है। उनको ये लगता है कि सारे लड़के ही बुरे हैं और कोई समझने को तैयार नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है। और वहां पर पीछे एक मूंछों वाले अंकल खड़े थे, वो बोलते कहते ओए शर्म नहीं आती तेरे को, तू लड़की को छेड़ता है, भरी बस में लड़की को छेड़ रहा है। मैं पलटा, मैंने उनके हाथ जोड़े, मैं अंकल जी आज तक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छेड़ा, मैं इनकी गर्लफ्रेंड को क्या छेड़ा। मतलब मैं समझाने की कोशिश करा, मैंने कहा एक बार देखो तो सही, देखो तो सही। कहते गंदे गंदे इशारे करता है, चल साइड हो चल। मतलब कोई भी अपनी वाइफ की फ्रस्ट्रेशन, अपनी जॉब की फ्रस्ट्रेशन आकर के मेरे पे निकाल रहे, आकर के ले ले धक्के धक्के देते देते। तो कब मुझे धक्के पड़े और कब मैं बस के आगे तक पहुंचा, कब कंडक्टर ने बस रोकी और मैं बस से उतरा, मुझे पता ही नहीं लगा। सब कुछ अपने आप हो गया, धक्के खाते 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 बीच रास्ते में मुझे बस से निकाल दिया। इनफैक्ट मेरा जो कॉलेज का बैग था वो भी बस में रह गया। और मैं उतरा और उतर करके मैंने कहा यार बैग तो अंदर रह गया है, लेकिन दोबारा पिटने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने कहा दोबारा जाना तो बस के अंदर ठीक नहीं है। तो साइड में आया, वहाँ पर आ करके एक पानी की रेडी वाला खड़ा हुआ था, गर्मियों के अंदर वहाँ पे पानी की रेडी वाले खड़े होते हैं। उससे बढ़िया सा नींबू पानी बनवाया, नींबू पानी बनवा करके रोड के साइड में बैठा और हंसने लगा, अपने ऊपर ही हंसने लगा। मतलब अकेले में खुद का मजाक उड़ा रहा था और बार बार सोच रहा, मैंने कहा यार मैंने सॉरी क्यों नहीं बोला। और अपने घर गया, वहाँ जा करके अपनी सिस्टर को एक किस्सा सुनाया। मैं कहा देख भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। सिस्टर भी बहुत हंसी, कहती भैया तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, बिल्कुल ही पागल है, ये क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। मैंने कहा मैंने किया थोड़े वैसे ही हो गया, मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं अपने उन स्कूल फ्रेंड्स के पास में गया, वही जो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, उनके पास में गया, उनको भी जा करके अपना पूरा किस्सा सुना दिया। और वो भी बहुत हंसे, कहते हमने सही नाम रखा था तेरा उंगली, देख उंगली करी दी ना तूने, कहता तू बाहर नहीं आया पंगे ले ही लिए ना। मैंने कहा हाँ यार क्या करूँ मैं ऐसा ही हूँ।